इस बार जब गांव जाऊंगी ना तो अम्मा से रोटी बनाना सीख लूंगी, फूफा की ट्यूशन रख लूं। तुम जानते हो जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ ना ऐसे ही साये का एहसास होता है। अली साहब वैसे मुझे 250 बरस जिंदा रहने का कोई शौक नहीं है। थैंक यू। और क्या हाल है उसका, फोन शोन आया है? और कोई अगर कोई आपकी क्लास का ना है तो वो बुरा होता है। अगर सलमान कोई बड़े आदमी का बेटा होता तो ठीक था। आप प्लीज़ मेरी कुछ मदद करें, मैं गप्पल से मंगनी नहीं कर सकती। नो वे। आप प्लीज़ कुछ करें ना डैडी। अब गप्पल से मैं भी मंगनी नहीं कर सकता। वैसे अम्मी आई एम सरप्राइज्ड, आज से पहले तो आपने कभी मुझे ऐसी कोई बात नहीं की जो आप अकेलापन इतना शिद्दत से महसूस कर रही हैं। क्या कहा? ले नाश्ता। ओह, तुम छुट्टी पर कैसे जा सकते भाई? परसों अज्जी भाई के बेटे की शादी है और अभी आए हुए तुम्हें कितने दिन हुए? मुश्किल से 3 माह हुए होंगे। सर क्या बताऊं, आज तो कुछ यूनिक ही पैसेंजर्स आए हैं। एक है वो पान की फरमाइश कर रहे हैं, एक है वो कैसेट दे रहे हैं कि पठाने खान का गाना सुनाओ। हमारे सामने दंगे फसाद की बात मत किया करो हिंदू मुसलमान के बीच। हाँ तो नहीं, ये जो हम हर साल जाते हैं अजमेर शरीफ, कभी रोका है हमें किसी ने? किसके लिए जाऊँ, उस बाप के लिए जिसने मुझे भेजा या तुम्हारे लिए जिसके पास बोलने के लिए जुबान ही नहीं है? तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती, नहीं देख सकती तो अपना तबादला करवा लो। कि उनके दिल में मेरे खिलाफ इतनी नफरत आई कैसे? ये नफरत डिजर्व करने के लिए मैंने क्या किया है आखिर? मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी इतनी छोटी सी बात का इतना बुरा मानोगे। तेरी तरह जाहिल नहीं हो जो हर वक्त बोलती रहूं। तू मेरा एक काम कर दे, मुझे मिट्टू बाबा के ढाबे पे छोड़ा, वहाँ मैं कोई टीवी पे ड्रामा देखूंगी ना तो मेरा मूड ठीक हो जाएगा। मगर मम्मी आपको एक बीमार इंसान को ये सब जासूसी रुमानी सुनानी नहीं चाहिए था। कभी कि ख्वाब का जोड़ा, कभी नैनसुख का, कभी जेवर, कभी कुछ कभी कुछ। कोई भी चीज कीमती नहीं है इस क्वार्टर में, ना तेरी बेटी ना तेरी पेटी। हम तीनों तो अगर सड़क पर पड़े हो ना तो कूड़े वाला ट्रॉली में भी ना डाले हमको। ये मेरी बहन है, कैसे हो सकता है कि वो तड़प रही है, मैं अपनी बेटी तमाशा देखती रहा। मेरे दादा को मौसीकी का बहुत शौक था, किसी को जगाने का हुक्म न था। स्टेट का गवैया सुबह राग आशा गाकर जगाया करता था। क्या घर ऐसी बातें कर रहे हो? मेरा कौन है तुम्हारे सिवा? बाली की तरक्की हो गई है, तुम्हें पता है मरियम? बाली जोहर से निकलकर दलदल में फंस गया है। अच्छा ज्यादा बातें ना करो और सीधी तरह खड़ी रहो। आई बड़ी सवाल करने वाली। मुझे यकीन था रियाज के तुम जरूर आओगे, एक तुम ही तो हो जो मेरे और अपने रिश्ते को पहचानते हो। सीस, स्टूपिड। जब पापा उन्हें इतनी ज्यादा शॉपिंग करा सकते हैं तो हम क्यों ना करें, हम क्यों ना लें? माँ बनकर नहीं और लोगों की तरह बोलती है, पत्थर बनकर। बहुत लंबा सफर तय किया, अपना सब कुछ दे दिया है, मुझे दुख नहीं देना। रुक क्यों गए, सजा सुना दे, मैं तैयार हूँ। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कि कॉलेज के जमाने में हम 4 लड़कियों का एक ग्रुप होता था। मैं सईदा हूँ जिससे आपका रिश्ता तय हुआ है, मैं आपकी गलतफहमी दूर करने आई हूँ। औरत को मर्द से सिर्फ ऐशो आराम ही नहीं चाहिए होता। नहीं जी शुक्रिया, मुझे जरा शॉपिंग के लिए जाना है। कोडू को मैं अपने साथ ले जाऊँ? ईमान से आता अगर टूटू हमारे दरमियान ना हो, हम तो एक दूसरे को चीर फाड़ डालें। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई CSP ऑफिसर, कोई नहीं, कोई उनकी खानदान की माएँ बहने बेटियाँ, कोई नहीं। मैं इस सूली पे बार बार नहीं चढ़ूंगी। हमसे कोई पूछता भी नहीं और खुद ही कभी छोड़ देते हैं तो कभी तोड़ देते। वो तो मीरपुर खास जाके ऐसे गाँव में फंसे कि फोन भी नहीं कर पाए। अम्मा अब मना नहीं करेंगे नासिर भाई। मुझे तो कभी वसीम पसंद ही नहीं था, शूटियों भरा कबाब। मुही भाई का हिस्सा आधा हुआ, मुही भाई के बाद बटेगा तो बहनों को मिलेगा। हमारे ऐसे मुकद्दर का अगर हमारे ऐसे मुकद्दर हो जाए तो बाहर न उतरा है हमारे दामन पर। इसका मतलब है कि तुम रियाज को अब भी याद करती हो, खुद को अकेला और उदास महसूस करती हो। सरसब्ज वादियों में, सुनहरे बादलों में, नीले झरनों में, और फिर अचानक आपकी आवाज आती थी। पहला मिशन है कि मुझे अपने माँ बाप का पता लगाना है, और ये मिशन मुझे किसी भी तरह पूरा करना है, ये मेरा एम है। मैंने डरते डरते नरम रेत में पाँव रखने चाहे, तो वहाँ सहरा ही नहीं था। वक्त के साथ साथ सब कुछ हो जाता है। अब हमें ही देख लो, शादी के वक्त बजी एक फर्म में 4000 रुपए की नौकरी करता है। अब माशाल्लाह से हमारे पास सब कुछ। इसमें शर्माने की क्या बात है? क्या उसके सामने भी यूं ही शर्माती है तू? ताना लाली कैसा है वो? कोई है तो सही मगर मुँह दूसरी तरफ है। क्या मतलब? ये किस किस्म का मजाक है? पता नहीं क्या बात है, जब भी खून का लफ्ज सुनती हूँ मुझको कभी सी लग जाती। होना तो ये चाहिए था कि आप अपनी एग्रीकल्चर को मैकेनाइज करते, मॉडर्न बनाते, और आप हैं कैसे छोड़कर इंडस्ट्री में जा रहे हैं। अगर इन्हें पता चल गया कि मेरी गोद में अमान की बच्ची है तो ये लोग टुकड़े कर देंगे मेरे और मेरी बच्ची के। बात वहाँ से शुरू होगी जहाँ से मैं आपकी बीवी बनी। पहले मैं क्या थी, आप कौन थे, ये सवाल बीच में नहीं आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि उनके नौकरों में एक और नौकर का इजाफा हो जाए। हाँ बाजी, आप चाहें तो मेरे ख्वाब हकीकत बन सकते हैं। सोच रही हूँ कि दुश्मन को किस तरह जख्म पहुँचाई जाए। मुझे मीर जाफर नहीं चाहिए। नहीं, आज मेरी टांगों में जरा दर्द हो रहा था, इसलिए उठ नहीं सकती। आप कहाँ से आई हैं? अब्बू जान, फर्रुख को तो आप इन गलियों और महल्ले वाले खेलों से माफी रखिए। ये डिफेंस है, यहाँ ये हुनर नहीं चलेंगे। हाँ तुरक, तुम्हारी पास उसे फिर कभी भी ना बचाना। का उनसे राब्ता करके आप लोगों से मिलवा देती हूँ, और मेकअप ज़ाहिर डेप्लेक्स से ही होगा। एंड इंशाल्लाह आई एम श्योर कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा। बस बस, अपने दिमाग को यकजा रहने दो। सुबह तुम्हारा पेपर है, मत ध्यान दिया करो इधर उधर की बातों पर। सड़क पर वो खड़ा था अख्तर, मुझको देख के ऐसे में फैली जैसे मुझे जानते ही। अजीब डिस्कर्टी से जंगली सा लड़का है। मेरी सोचती कि छोटे साईं की दिल लगी के लिए यहाँ सब कुछ मौजूद है, अगर वो तो कहीं और देख रहा था। हम पहले भी मिल चुके हैं, है ना? ओ यस, रूबी के। मेरा आना तो पॉसिबल नहीं है, मैं थोड़ा बिजी हूँ ऑफिस के काम में। बाकियों को मैं बोल दूंगी। नहीं मामा, डैडी जब तक ठीक होके नहीं आ जाते मेरा दिल नहीं चाहता। जाने दें हाशी भी, वैसे भी वेटिंग रूम में बैठकर इंतजार करने से क्या फायदा, ट्रेन तो जा चुकी। जो असूल और तरीके मैं बनाऊंगी सबको उसी पर अमल करना होगा, किसी की टर्टर नहीं सुनूंगी मैं। ये वो कुर्ते, यहाँ मेरी जान जल्दी आने कुर्तों की फिक्र लगी हुई है। मर ही जाऊं मैं तो, खुदा करे। तन्हा बेबस अपने घर के जब से निकलेगी तो ससुराल के हिसाब में कैद हो जाएगी। अबू से तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। अब नहीं हो रही है तो क्या करूँ? क्या कुछ नहीं हो रहा है इस दुनिया में। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारी डोर किसके हाथों में, हम किसके इशारों पर नाच रहे हैं। अपने घर की हालत देखिए, अपनी हालतें देखिए, अपनी उम्रें देखिए, अपने कमरे देखिए। हम ना बोल रही हूँ, तुम हॉस्पिटल से घर आकर तुमने फोन तक नहीं किया। अब्बू आ गए हैं और तुमसे फौरन मिलना चाह रहे हैं। बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। किस्म का बच्चा घर में घूमता फिरेगा, कभी इस चीज में घुसेगा तो कभी उस चीज में। बड़ा अजीब सा है, क्यों एक अनमैरिड लड़की को आंटी कह रहा। कोई ऐसी लड़की से फ्री होने की कोशिश करे ना, वो बहुत ही मुझे बुरा लगता। पर उन लोगों का इस बात से क्या ताल्लुक है? मोहब्बत कोई सरकारी नौकरी नहीं है जिसमें एज लिमिट होती है। बहुत कुछ बिगड़ जाता है अम्मा, अगर लोग मुझे घूर घूर के ना देखें तो उनका क्या बिगड़ जाएगा। आप हमसे पहले पूछ लेते तो आपकी रकम जाया ना हो। क्या इस दफा डैडी स्विट्जरलैंड जा रहे थे, मुझे भी बोला था कि रूबी बेटा चल रही है स्विट्जरलैंड। मैंने कहा मैं क्या करूंगी जाके। और उस वक्त तक मंजली आपा भी बड़ी आपा बन चुकी होंगी और आईने के सामने बैठकर सफेद बाल निकाल रही होंगी। की बात करो खालिद, मुझे फख्र है अपने होस्टेस होने पर। मुझे फख्र है कि मैं अपनी कौमी एयरलाइन पर अपने मुसाफिरों की आराम और तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखती हूँ। तू अपनी गुल्लो की गल कर रही अरे वो तो अभी जरा सी छोरी है, वो तो उसका ब्याह करना चाहती। हद कर दी तूने बशीरा। मैंने इस वक्त का बहुत इंतजार किया अंकल, ये लम्हा मेरे लिए बहुत कीमती है। पूछेगा नहीं, वो जरा झूठ भी बोलती है, शेखी भी बहुत मारती है। कह रही थी माइकल जैक्सन उससे मिलने पाकिस्तान आ रहा है। हम दोनों ही अपने बच्चे के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसके खुशगवार मुस्तकबिल के लिए हाल की सख्तियां सह रहे हैं। मेरे ख्याल में आपको ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। फिर भी सिर्फ इस शर्मिंदगी को छुपाने के लिए इतना बड़ा झूठ गढ़ना कुछ अजीब सा लगता है। जरूर असल वजह कुछ और हो। मगर आंटी, अगर अपनी बिरादरी में अच्छा मैच, सही मैच ना मिले तो? भाजी आपको पता है अम्मी अब्बू सुबह सुबह उठ के सबसे पहले क्या करते हैं? शादी के इश्तहार पढ़ते हैं अखबार में। उन्हीं गालियों की वजह से शायद गन्स रोड की दुकानें उसके नाम की है। क्या आके अपनी जायदाद दायमा खटाखट बांट दे। मेरा मासूम तो पहले भी ऐसे ही थे, लेकिन महसूस अब हो रहा है। दार बन के निकल रहा था, न जाने क्या गड़बड़ हो गई। उसने तो अपना अंदाज ही बदल लिया। मैंने इमरान से पूछा भी क्या कर रहे हो, तो कहने लगा अपने दोस्त को खत लिख रहा हूँ। इसे लिखना कब आता है? तो इसके दोस्त को पढ़ना कब आता है? पापा, बिजनेस पार्टनर होने का ये मतलब तो नहीं है कि वो मेरी जिंदगी। पापा, how could you? हारिस, मैं जिंदगी के प्लेटफॉर्म पर तन्हा खड़ी नहीं रहना चाहती। नीता, वो तो इस वक्त मुसाफिरों के साथ बिजी है। आपका कोई मैसेज है तो बता दीजिए, मैं बता देती हूँ। आपको मालूम है कि सच क्या है और झूठ क्या होता है? लोग तो झूठ के पीछे भी उसी तरह हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं जिस तरह सच के पीछे खड़े। जो दिन रात तुम्हारी रिकॉर्डिंग्स और शोज वगैरह हो रहे हैं ना, इससे बिजनेस बहुत निग्लेक्ट हो रहा है। बाजी इज क्वाइट वरीड अबाउट इट। इन आंखों से तो मैं खुद भी बेजार हूँ फरहद। वाइड एंगल लेंसेस, जो ना देखना चाहूँ वो भी दिखाई दे जाता है। पर सच पूछो ते हुण इस पिंड विच रहण उक्का दिल नहीं करता। आपको शायद मालूम नहीं कि बड़ी बीबी हमारी सहेली बन गई है और बेगम साहब ने उनकी जिम्मेदारी हमें सौंप दी है। तुम्हें तो पानी पिलाने के बजाय गहरे पानी में फेंकना चाहिए, जहाँ मछलियाँ तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके खाएं। हमें कभी कभी दुश्मन के कैंप में दोस्त मिलते हैं, वो हमारी खातिर हमारे दुश्मन की आजमाइश में रहते हैं। प्रिंसिपल साहब, आप गलत दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। तुम पढ़े लिखे लोग भी बहुत चालाक होते हो, पहले तो जख्म देते हो और फिर मरहम लगाते हो। मुझे अगर मालूम होता कि आपसे मुलाकात होगी तो मैं कॉलेज मैगजीन जरूर लेके आती आपको देने के लिए। मुझे कोई खौफ नहीं है, मगर पता नहीं ऐसा फील होता है कि जो कुछ करूँगी वो गलत हो जाएगा। शराब हमेशा शराब तो नहीं रहता ना, जब बारिश होती है तो वो भी सैराब हो जाता है। मैं आप तक पहुँच जाती तो रेत आपके कदमों के नीचे सब्जा ना बनती, सब्जा जो आपके कदम चूमने के लिए बेताब था। पूरी जिंदगी देकर सिर्फ इज्जत नहीं, इस सौदा महंगा नहीं। वक्त गुजर जाता है, बातें रह जाती हैं, परिंदे उड़ जाते हैं, मुंडेरें रह जाती हैं। माफ कीजिए, उसने मुझे अपना नाम बताया ना पता बताया, और ना ही मैंने पूछा। एक तो उस बेचारे ने हमदर्द। मेरी जान, ये सारा समझौता है जो हम अपने आप से, दूसरों से, दुनिया से करते हैं। ना कोई जज्बा, ना कोई एहसास। मेरे ख्याल में अब मुझे वाकई में चलना चाहिए। आपको तो मेन रोड तक लिफ्ट की जरूरत नहीं है। बहुत हिम्मत की जरूरत होती है, और फिर अपने वतन के 500 रुपए परदेश के 5000 से बहुत बेहतर है। रहने दो भाई, जब आए तो पूछकर लौटा देना। हो सकता है उसने ये तुम्हारे लिए ही लिखी हो। मैं अपनी मासूमियत की वजह से बहुत खुश थी और समझ रही थी कि अब मेरे सारे दुख खत्म हो गए। हमारे भाई नवाब खयानत मिर्जा में भला किस चीज की कमी है? उनको हाँ कर ही देनी चाहिए। कभी लैला नहीं मिलती। उठो और मामा की सुरैया बतूल से टकरा जाओ। चेने शेने तो हमारे पॉप सिंगर्स भी पहनते हैं, लेकिन कानों में बालियां मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते ऐसे लड़के। अम्मा, मेरी जिंदगी की एक ख्वाहिश ये भी है कि मैं खुद गाड़ी चलाऊं, जी भर के घूमती फिरूं, कोई रोकने वाला ना हो। अपने गले में डालकर दरिया में क्यों उतरना पड़े, जमीन उनके पास शांत है। मसूद, जब इन सारी चीजों में आप हमारी पसंद का ख्याल रखती हैं तो फिर क्या वजह है कि ये टूटू भाई को आपने हमारे सर पे बिठा रखा है 1.5 साल से? 500 ने 5 1000 रुपया हो, ये भी बरोबर है भाई, अपना 500 रुपया ले लो, लो रखो। यहाँ आकर इतनी फिक्र मैंने अपनी सांसों की कभी नहीं की जितनी मैं अपनी चादर की करती हूँ।